धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर आज भारतवासियों से ही मैं यह आग्रह कर रहा हूँ कि कैसी है हमारी कानून व्यवस्था, क्या हमारे देश के कानून से लोग डरते हैं, यानी हमारी देश की कानून से लोग डरते हैं, मेरा सवाल यह है। इस्लाम की मान्यता को चरितार्थ करने के लिए, अपने को शहीद कहलाने, इस्लाम को उजागर करने के लिए संपूर्ण भारत को नाश करने के पीछे CAA और NRC का विरोध ही है, जो एक सोची समझी रणनीति है। इसे चाहे कोई जो कुछ भी कहे, इस्लाम की मान्यता अनुसार ही ये किया गया है। यही तो इस्लाम है और उसी का ही नाम इस्लाम है। गैर मुस्लिमों को जहां पाऊं जहां देखो उसे कत्ल करो, चाहे कैसा भी गैर मुस्लिमों को मरना ही चाहिए या गैर मुस्लिमों को मारना ही चाहिए। और इस गैर मुस्लिमों को मारते जो मरते हैं उसे शहीद कहा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान में अल्लाह ने खुद कहा, यहाँ अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ। अल्लाह ने कहा, और जो लोग खुदा की राह में मारे गए, ये खुदा का राह है, इसे खुदा का राह कहा गया है। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने इस्लाम में, जो खुदा के राह में मरते हैं वो मरे नहीं है, वो मरे हुए भी जिंदा हैं। तो किसी तरीके से गैर मुस्लिमों को मारना, चाहे कैसा भी रणनीति को अपनाना पड़े, गैर मुस्लिमों को मारना ही एकमात्र उद्देश्य है। इस वायरस के माध्यम से जितने भी गैर मुस्लिम को मारा जाए वो शहीद कहलाएगा, यानी मरेगा तो शहीद, मारेगा तो भी शहीद। और इन शहीदों के लिए अल्लाह ने कुरान में बशारत दी है कि वो मरे नहीं, मरे हुए जिंदा हैं। और जो ये अल्लाह का ही रास्ता है, ये अल्लाह का ही रास्ता है। और एक जगह नहीं, ऐसे कई जगह कुरान में आया है, ये सूरा नंबर 3 100 आयत नंबर 140 में भी देख सकते हैं इन्हीं बातों को। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस वायरस के माध्यम से जितने भी गैर मुस्लिम को मारा जाए वही शहीद कहलाएगा। किसी को मारे तो शहीद और खुद मरे तो भी शहीद, इसी मानसिकता को आज चरितार्थ करने में जुटा है तबलीग जमात के लोग, और दूरदर्शन में बैठ करके भी आप लोग ये सुन रहे हैं, जो इस कोरोना वायरस के चपेट में आकर जो मुसलमान मरे हैं उनको शहीद कहा जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं एक भी शब्द बना करके अपने तरफ से नहीं बोला और ना बोलता हूँ, आज तक मेरा रिकॉर्ड है। अभी अभी एक बदतमीज़ का फ़ोन आया, वो हरामजादा कह रहा है कि मूर्ति पूजने वाले अपशब्द बोला उसने, और मूत पीने वाले वो बताएगा इस्लाम क्या है। ये इनकी मानसिकता देखिए, इनकी मनोदशा देखिए। मैंने उसको कहा कि तुझे आर्य समाज के बारे में जानकारी है नहीं, आर्य समाज की मान्यता क्या है, मूर्ति पूजा आर्य समाज के में है या नहीं है, इसे तू जानता है, तू बकवास कर रहा है। कि भारत सरकार को चाहिए इन भारतीय संविधान के अनुसार धारा नंबर 302 इन पर लगे, धारा 302 का मामला इन पर दर्ज करना चाहिए। दुनिया देख रही है कि उन्हीं मौलाना साद के पक्ष में प्रायः इस्लाम के मानने वालों का समर्थन है, ये दूरदर्शन में बैठ करके बोल रहे हैं। कारण मौलाना साद ने जो किया उसके लिए उसे पछतावा नहीं है, कारण उन्होंने इस्लाम को जिंदा रखने के लिए किया। इस्लाम को किस तरीके से जिंदा रखा जाए, इस्लाम का विस्तार किस तरीके से हो, उसी रणनीति को अपनाते हुए ये सारा काम मौलाना साद का रहा। और ये मौलाना साद अपने मन से नहीं किया, यही तो इस्लाम है। इस्लाम को ही जानना पड़ेगा, इस्लाम को जाने बिना इस्लामियों को जाना जाना संभव नहीं होगा। ये है भी, ये वो भी जनता है कि जो संपूर्ण इस्लाम जगत का समर्थन मुझे वो
मौलाना साद ये भी जानता है कि संपूर्ण इस्लाम जगत का समर्थन मुझे मिलना है और मिल भी रहा है। नित्य हम विभिन्न न्यूज चैनलों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं बोलते हुए लोगों को, और उन लोगों को निरुत्तर करने के लिए, ना तो चुप कराने के लिए, निरुत्तर कराने के लिए एंकरों के पास जवाब है और न किसी पैनलिस्टों के पास। जो आज दिखाई दे रहा है वस्तु स्थिति सबके सामने है। मात्र भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में लोग इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। जब ये बात सबके सामने उजागर हो ही गया कि तबलीगी जमात के मरकज में गैर तरीके से लोगों को जमा किया गया और उसी जमात के प्रमुख देश विदेश से आए हुए मुसलमानों को ये कह रहे हैं, सुना रहे हैं कि मुसलमानों तुम्हारा जमा होना, तुम्हारा एकत्र होना ये दुनिया वालों को पसंद नहीं है, तुम्हें इकट्ठा होना दुनिया वाले पसंद नहीं करते हैं, इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है और जो मुसलमान इसके लिए मुसलमानों के लिए अच्छी बात नहीं है। किसी को मरना हो तो मस्जिद में ही मरो, ये तो जग जाहिर हो गया, मौलाना क्या कहा, मस्जिद में मरो। इस बात को उन्होंने चरितार्थ वीडियो के माध्यम से किया है, वो अकेले में नहीं सब लोगों के सामने दुनिया वालों को, भारतवासियों को विशेषकर सुनाते हुए का उजागर किया। इसके माध्यम से उन्होंने वीडियो के माध्यम से उन्होंने लोगों के सामने बोला, ये कोई झूठी बात नहीं है, सबने देखा है सुना है। ये कांड एक पुलिस थाने के पीछे हो रही है और रात को 2 बजे भारत के प्रमुख, भारत सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति, भारत सरकार से जुड़े हुए एक अधिकारी, भारत सरकार के जुड़ा हुआ एक जिम्मेदार व्यक्ति जिनका नाम अजीत डोभाल है, वो भी उनसे मिलने के लिए जाते हैं। वही व्यक्ति उसी निजामुद्दीन मरकज से मिलकर चले गए, यानी अजीत डोभाल जी मरकज से मिलकर के चले गए, वो भी उस समय जबकि सभी वाहन बंद हैं। जब अजीत डोभाल जी वहाँ पर मिले उनसे और मौलाना साद से उन्होंने बात की और निजामुद्दीन थाना के SHO वो भी सब जानते हैं। अब इनसे बात होने के बाद ही मौलाना साद उसी निजामुद्दीन मरकज से फरार हो जाते हैं। क्या निजामुद्दीन थाने की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, SHO की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी इसमें कि वो फरार ना होने पाए, कहीं निकलने ना पाए, और वो थाना की ही तो लापरवाही थी जो इतने लोग वहाँ पर जमा हुए हैं। ये पुलिस वालों की नाक के ऊपर से ही वो वहाँ पर थाने के पीछे से फरार हो रहे हैं। तो क्या दिल्ली पुलिस या निजामुद्दीन थाने के पुलिस नाक में तेल डाल करके सो रहे थे जो उनके सामने से लोग निकल करके भाग रहे हैं, आज पुलिस उनको ढूंढ रही है। देखिए क्या तमाशा है, पुलिस उसको ढूंढ रही है, जाने दिया पहले, अब ढूंढ रही है, वारंट निकाल रहे हैं, सर्च हो रहा है, वो ग्राहक कहाँ घर है, क्या संपत्ति है, ये सब खंगाला जा रहा है। अब तक क्या कर रही थी पुलिस, भारत सरकार क्या कर रही थी, अब तक भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी इस पर। क्या इससे क्या दर्शाता है कि सरकारी सहायता के बिना ये दोषी कहीं फरार होना इसके लिए संभव था मौका वारदात से। ये किसी की गलतफहमी थी, गलती के शिकार कौन थे, उसे जाने दिया पुलिस और आज वही पुलिस उसी व्यक्ति के नाम से वारंट निकाल रही है, तो नोटिस जारी कर रही है और छापा भी मार रही है। क्या ये सब दिखावा और बनावटीपन नहीं है? क्या भारत के संचालनकर्ता और दिल्ली पुलिस ही अपने को अकलमंद या होशियार मान रही है? क्या उनसे और कोई होशियार भारत के लोग नहीं है? भारत की जनता इतनी मूर्ख है कि इस सत्यता को जानने का प्रयास भी ना करे? आज संपूर्ण विश्व इस कोरोना वायरस से
जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हैं, त्राहिमाम मची हुई है संपूर्ण विश्व के आंगन में। एक भारत ही एक ऐसा देश है जो अपने सावधानी के बल पर इस कोरोना रूपी वायरस से इतनी जाने नहीं गई हैं। जो लोग साजिश रचकर अपने को शहीद कहलाने के लिए और अल्लाह के दीन को चरितार्थ करने के लिए ही इतना बड़ा दांव खेला है, हमें इस ईर्ष्यालु मानवता विरोधी इस्लाम को जानना पड़ेगा, तभी हम मानव मात्र का कल्याण कर सकते हैं, मानवता की रक्षा कर सकते हैं। तबलीगी जमात के अध्यक्ष मौलाना साद, जो आज मोस्ट वांटेड है, अपराधी है और मुसलमान मरने मारने के लिए भी तुले हुए हैं, दूसरी तरफ ये कायर हिंदू दिया जलाने में मस्त हैं, दीपक जला करके ढूंढ रहे हैं मौलाना साद को, अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कुरान का जानना बहुत ज़रूरी है। कुरान को जानने से, कुरान को पढ़ने से, कुरान को समझदारी से देखने से ही इस्लाम का जाना जाना संभव होगा। इसलिए बंधुओं, मैं दो टुक में आप लोगों तक इन्हीं बातों को पहुंचा देना उचित समझा। आज सुबह मैं अपने पेज में लिखा भी हूं इसे और आप लोगों तक इसे अपने वीडियो के माध्यम से भी पहुँचाना युक्तियुक्त समझा कि आखिर हो क्या रहा है। इसी का नाम इस्लाम है और इस्लाम चाहता यही है कि संपूर्ण विश्व के आंगन में एक इस्लाम को छोड़ करके कोई और न रहे, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने यही कहा है, इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है, बाकी सब वाजिबुल कत्ल है। इसलिए भारतवासियों से विशेषकर मैं ये विनती करना चाहूँगा, भारत सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार को चाहिए अपने संज्ञान में लेना, कि संज्ञान में क्या लेते, जब अजीत डोभाल को भेज दिया तो अजीत डोभाल अपने मन से थोड़े गया होगा, बिना प्रधानमंत्री से गृह मंत्री से मशवरा किए, बिना प्रधानमंत्री गृह मंत्री से परामर्श किए, परामर्श लिए अजीत डोभाल रात को 2 बजे मिलने के लिए जाएगा किसी के घर? अरे किसी के घर अजीत डोभाल तो मिलने के लिए गया, यहाँ की कानून व्यवस्था देखो, रात 2 बजे भी सुप्रीम कोर्ट खोलवाया जाता है। अरे ऐसा दुनिया में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि रात 2 बजे एक वकील के कहने पर कोर्ट खोले, या एक वकील के कहने पर जज अपने घर में सुनवाई करे, ये एक दुखद स्थिति है। और ये 5 जजों ने मिलकर के मुख्य न्यायाधीश पर अविश्वास लाया, कांग्रेस सरकार मुख्य अधीश पर, कांग्रेसी जो राजनीति पार्टी है मुख्य न्यायाधीश पर अविश्वास लाया, ये हो क्या रहा है? इसलिए मैंने निवेदन किया कि कानून व्यवस्था हमारी जो है वो बहुत लचीलापन है, इस कानून व्यवस्था को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मजबूती की नाम गाड़ी है, अगर आप सख्ती नहीं अपनाएंगे तो बात बनेगी नहीं। यही तो कारण था योगेश्वर कृष्ण जैसे महापुरुष ने अपने परिवार वालों को मारने के लिए भी संकोच नहीं किया, अपना मामा को मार दिया, किस लिए मारा? यही दुष्टता के कारण। मर्यादा पुरुषोत्तम राम रावण को किस लिए मारा? इसी दुष्टता के कारण। तो हमने अपने महापुरुषों से क्या सीखा है? योगेश्वर कृष्ण तो अर्जुन से कह रहे थे इस बात को, कई बार मैं बोल चुका हूं, अर्जुन ने तो मना किया था, किससे युद्ध करूंगा, भाई है, भतीजा, चाचा है, ताऊ है। योगेश्वर कृष्ण ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, युद्धम तो क्षत्रिय स्वधर्म तत्तम कथम त्याजसि, युद्ध करना क्षत्रियो का धर्म, इससे त्यागते हो कहाँ चले जाते हो? अर्जुन ने बोला एतान बंधवान बिना भी जय राज्य न सकम सुखम भविष्यति, इन बांधवों को छोड़कर, राज को छोड़कर अगर मैं युद्ध करूंगा सुख प्राप्त कर सकता हूँ? योगेश्वर कृष्ण ने कहा तुम नावगच्छसि, इमे पापा इमे पापा इमे पापा, ये पापी हैं, दुष्ट हैं, बध करने योग्य हैं, लेकिन मोदी सरकार इसको जानने की समझने की पहचान नहीं कर रही है। इमे पापा बद्ध एव, अर्जुन ने बोला इमे मृत्युंतु गमिष्यति महापापं भविष्यति, इनके मर जाने से कोई पाप नहीं लगेगा। योगेश्वर कृष्ण ने कहा नहीं, तत् पापम आत्मा मृत्यु न गच्छति केवलम शरीरम नश्यति त्वम इदम न अवगच्छसि आत्मा अजरः अमरः कायम कदापि नश्यति युद्धम तु क्षत्रियस्य परम धर्मः अतः युद्धम कुरु, ये रहे हमारे देश गुरु। योगेश्वर कृष्ण कहे कि ये पापी हैं, दुष्ट हैं, वध करने योग्य हैं, इसीलिए इनको वध करो। वो अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा
और यहाँ क्या हो रहा है, भारत सरकार का कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन योगेश्वर कृष्ण के पढ़ाए हुए पाठ को जब तक याद नहीं किया जाएगा, इस भारत को सही सलामत रखना संभव नहीं होगा। ये योगेश्वर कृष्ण का भारत है, योगेश्वर कृष्ण का भारत है, लेकिन दुर्भाग्य तो ये हिंदुओं के लिए है कि उसी कृष्ण को जो कृष्ण यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं, युद्धम तु क्षत्रिय स परमा धर्मात युद्धम कुरु, उसी योगेश्वर कृष्ण को महिलाओं का कपड़ा लेकर इन हिंदुओं ने, अकल के दुश्मनों ने पेड़ पर चला रखा है, इनकी बुद्धि मारी गई है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, कहीं उसको चोर बता रहा, मनिहारी बता रहा, क्या क्या नहीं बताया योगेश्वर कृष्ण को, तो अपने लोगों से ही छुटकारा पाना भारी हो रहा है, दूसरों से आप क्या निपटोगे। इसीलिए याद रखो, आने वाला समय तुम्हारा खूब अच्छा नहीं आ रहा है, चाहे मोदी जितना प्रयास करे। मोदी भी उसी संस्कृति से हैं, योगेश्वर कृष्ण को महिलाओं का कपड़ा लेकर पेड़ पर चढ़ाने वालों के साथ हैं, इसलिए सत्य से वो विमुख है। योगेश्वर कृष्ण को उन्होंने जाना नहीं, योगेश्वर कृष्ण को अगर जानते होते तो यह आज मौलाना साध का निजामुद्दीन मरकज से फरार होना संभव नहीं था। योगेश्वर कृष्ण तो बोला कि इमे पापा बद्ध एव, ये पापी है, दुष्ट है, बद्ध करने योग्य हैं। और वहां इस्लाम वाले क्या कह रहे, इस्लाम वाले इसको शहीद मान रहे हैं कि जो संपूर्ण भारत भर में इस कोरोना वायरस को फैला करके भारत के लोगों को मारा जाए। क्या क्या दुर्व्यवहार नहीं हुआ, ये क्या क्या दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं, क्यों, यही इस्लामी शिक्षा है, तो ये कुरानी शिक्षा है, यह अल्लाह का हुक्म है, वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ये सारा काम कर रहे हैं बंधुओं। इसलिए कुरान क्या है, अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह क्या बतलाते हैं मुसलमानों को, उसे जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो मैं अधिक ना आगे जाता हुआ यहीं पर ही अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को